हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट का साइंस में स्टार्ट कर रही हूँ। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट फूड इज इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? जीव। ठीक है, जीवित प्राणी भी कह सकते हो आप। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि भोजन में जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जो मुख्य पदार्थ होता है भोजन का, ठीक है, वो कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जीव को? न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, पोषक तत्व तो प्रोवाइड करता है। फूड इज वॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट टू सर्वाइव। फूड इज वॉट जो सभी जीवित प्राणी सर्वाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए खाते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं फूड। ठीक है, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने फूड में पाए जाने वाले तत्वों को भी सीखा था। वो क्या है? एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। These components of food are necessary for our body। ये जो भोजन में पाए जाने वाले ये जो components हैं, ये जो तत्व हैं, ये हमारी body के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। They are known as nutritions। इसे हम पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं, nutritions के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Food is vital for all living organism। जो फूड है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है सभी जो जीवित प्राणी हैं। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, बट लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जानवर और मानव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड इसके बजाय ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। मानव अपना जो भोजन है वो पौधों से प्राप्त करते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल से, जो जानवर प्लांट को खाते हैं उनसे। ठीक है, दस इस प्रकार इट कैन बी सेड दैट ऑल फूड आइटम्स विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी फूड आइटम्स हैं वो कहाँ से, जानवर और ह्यूमंस यानी मानव जिसे खाते हैं वो कहाँ से आता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से उन्हें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम देम। पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है टू अस, हमारे लिए, एंड वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम देम। और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भोजन है वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स केवल एक ऐसा जीव है जो कि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रिपेयर करता है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस इट यूजेस सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। और इस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इट यूजेस, क्या यूज करते हैं? सूर्य की किरण, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स यानी खनिज तत्व फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने चारों तरफ से। ठीक है, चलिए। न्यूट्रिशंस आर कंपाउंड इन फूड इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। न्यूट्रिशंस क्या है? फूड में पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं जो कि सभी जीवित जीव के लिए, जो सभी जीव हैं उनके लिए बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही आवश्यक है। टू ग्रो किस लिए आवश्यक है? सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए यानी वृद्धि के लिए। टू प्रोवाइड द एनर्जी, न्यूट्रिशंस एनर्जी प्रोवाइड करता है। टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, लाइफ को कैरी आउट, लाइफ को सपोर्ट करता, प्रोसेस लाइफ के प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस। ठीक है, एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी, और जो बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स हैं उन्हें भी रिपेयर करने में मदद करता है, रिपेयर करता है कौन? न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशंस इज द
intake and utilization of the food by an organism. Nutrition क्या है? Nutrition is the intake. Nutrition क्यों लिया जाता है? Food by an जीव भोजन के द्वारा nutrition को लेते हैं और उसका utilize करते हैं, उसका use करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. न्यू ऑर्गेनिज्म हैव ईदर एन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. जीव दो टाइप से न्यूट्रिशंस लेते हैं. ऑटोट्रॉफिक दो टाइप होते हैं इसमें, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक. ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. जब कोई भी जीव अपना भोजन सिंपल पदार्थ से, सिंपल सब्सटेंस से बनाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ठीक है, न्यूट्रिशंस का दो मोड है, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक. ठीक है, पहला ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है? जब कोई भी जीव अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस से बनाते हैं, कुछ कॉमन पदार्थ से बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट. नरिशमेंट का मीनिंग होता है पोषण या भोजन. ठीक है, एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, अपने चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट से, जो सिंपल सब्सटेंस से जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, ऑटो का मतलब आप लोगों को पता ही है, सेल्फ खुद से बनाते हैं, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट या भोजन. एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट इनटेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. और जानवर या कोई अन्य जीव जो अपना भोजन पौधों द्वारा बनाए गए, जो पौधे जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. हेटरोस का मतलब होता है अदर, मतलब जो भी जानवर या जो भी जीव पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. हेटरो यानी अदर, किसी और पर निर्भर. ठीक है, आगे देखते हैं. है अब आ गया आपका सेल्स. ठीक है, यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, इसको आप लोग देखो. ये है आपका न्यूक्लियस, ये जो ब्लैक डॉट है, और ये जो उसके आसपास जो जेली है वो है साइटोप्लाज्म. ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. लाइक बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसे बिल्डिंग किससे? ब्रिक से बनती है, ईंट से बनती है. द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. उसी तरह जो जीवित प्राणी है उनकी जो बॉडी है वो किससे बनती है? कुछ टाइनी यूनिट्स यानी कुछ छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे बनती है, जिसे हम कहते हैं सेल्स. ठीक है, दीज सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं उन्हें हम ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ जो जीव हैं वो केवल एक सेल से, यानी सेल यानी क्या होता है हिंदी मीनिंग? कोशिका. सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं. ठीक है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री. जो सेल होती है वो किससे ढकी होती? एक पतली सी बाउंड्री होती है, उसके चारों तरफ एक पतला सा जाल होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन. उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी उसका जो लेयर होता है, आउटर लेयर जो पतला सा होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. मोस्ट सेल्स हैव न्यूक्लियस. ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फिगर 1.1. ये आपका फिगर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं. ये है आपका न्यूक्लियस जो ब्लैक डॉट है, और साइटोप्लाज्म है इसके आसपास जो जेली टाइप है. ठीक है, और इसके ऊपर ये जो पतली सी है परत, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्म अ जेली लाइक सब्सटेंस. ये जो साइटोप्लाज्म होता है, रुकिए आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं. ये जो आप जेली टाइप दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक डॉट है ये तो आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, और इसके पास आसपास ये जो जेली टाइप है सब्सटेंस, वो क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है, और ये जो सेल है इसके ऊपर जो एक पतली सी परत होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट वेयर आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लोकेटेड. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था होगा,
आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा, वेयर आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लोकेटेड, जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे स्थित है। वेदर फूड इज मेड इन सम पार्ट्स ऑफ प्लांट और इन ऑल पार्ट्स, आपके दिमाग में फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो जो पौधे भोजन बना भोजन बनता है वो पौधे के एक भाग से बनता है, कुछ भाग से बनता है, या पूरे के पूरे पौधे से ही बनता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या अराइज होगा, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स, जो प्लांट्स है वो अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और ये जो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट कैसे, वहाँ तक वो सेंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके माइंड में आएंगे और इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे मिलेगा इसी चैप्टर में, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस को हम कंप्लीट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग, अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आए और लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग का सारा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चैनल विजिट करते रहिए, आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल ओपन हो या ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, Have a good day. Bye-bye.